अपनी माता कैकसी का आशीर्वाद प्राप्त करके रावण कुटिया से प्रस्थान कर गया था। कैकसी बहुत देर तक उसको जाते हुए देखती रही। जब रावण सामने खड़ा था तब कैकसी ने अपनी आंखों में आंसू की एक बूंद को भी नहीं आने दिया था, परंतु रावण के जाते ही उसके नैनों से अश्रुधारा बहने लगी थी। कैकसी मन ही मन स्वयं से संवाद करने लगी थी, कुबेर के साथ वास्तविक न्याय तो अब होगा। जिस पुष्पक विमान पर सवार होकर उसने प्रतिस्पर्धा में छल से रावण को पराजित किया था, उस पुष्पक विमान से उसका स्वामित्व ही छिनने वाला है। रुक जाओ कुबेर, तनिक कहीं ठहर कर लंबी सांसें ले लो, आ रहा है रावण, उसके बाद तुम्हें सांस लेने का भी सुअवसर नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम प्रतिस्पर्धा के परिणाम की घोषणा सुनने हेतु स्वर्ण राजमहल के मुख्य द्वार पर पुष्पक विमान से उतरे थे, मैंने उसी दिन ये मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन रावण को ब्रह्मा जी के इस पुष्पक विमान का स्वामी बनते हुए अपनी आंखों से देखूंगी। आज वो दिन आ ही गया है जब मेरा रावण पुष्पक विमान लेकर लौटेगा, तब मैं उसमें सवार होकर लंका के घने जंगलों के ऊपर गगन विहार करूंगी। ये लंका असुरों की है तो पुष्पक विमान भी असुरों का ही होगा। रावण द्वारा अलकापुरी पर हमले का निर्णय लेने का समाचार संपूर्ण धरती लोक में जंगल की आग की तरह तीव्र गति से फैल गया। धरती लोक ही क्यों, परंतु सभी लोकों में रावण के कुबेर पर आक्रमण की चर्चा होने लगी। क्या यम लोक, क्या इंद्र लोक, क्या स्वर्ग, क्या कैलाश, क्या पाताल लोक, सभी जगह बस अब एक ही चर्चा थी कि रावण के इस अहंकारी निर्णय का परिणाम क्या होगा। देवलोक में भी हलचल मची थी। देवताओं के तीन वर्गों पृथ्वी स्थान, वायु स्थान और आकाश स्थान में विशेष स्थान रखने वाले वरुण देव अपने वाहन मगरमच्छ पर सवार होकर देवराज इंद्र के पास आए। उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, समुद्र का देवता होने के नाते मैं देख पा रहा हूं कि समुद्र किनारे त्रिकुट पर्वत की गोद में बसी स्वर्ण लंका नगरी धीरे धीरे अशांत होती जा रही है। इंद्रदेव ने पूछा, वो कैसे वरुण देव, ऐसा भी क्या हो गया है लंका में? जिस प्रदेश की सुरक्षा आपके विशाल समुद्र करते हो, वो प्रदेश भला अशांत कैसे हो सकता है? वरुण देव ने कहा, आप देवलोक में रहते हुए अपनी पैनी नजर पृथ्वी लोक पर रखते हैं प्रभु, विशेषकर लंकापति रावण के एक एक कदम की सारी जानकारी आपके पास होती है। आप मुझसे प्रति प्रश्न करके अनभिज्ञ होने का अभिनय न करें प्रभु। पृथ्वी लोक के भविष्य के संबंध में क्या आपको मेरी चिंता अनुचित लगती है प्रभु? इंद्रदेव ने कहा, जो विशालतम समुद्रों का देवता हो, विश्व का नियामक हो, जो सत्य का प्रतीक हो, जिसके नियंत्रण में हो ऋतुओं को परिवर्तित करना, जिसके इशारे से बनते हो दिन एवं रात, और जो स्वयं आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता हो, वो महान वरुण देव आज घबराए हुए लग रहे हैं। धरती लोक तो बाद में अशांत होगी, परंतु आपका चित्त तो अभी से अशांत लग रहा है वरुण देव। वरुण देव ने कहा, प्रभु आप मेरी चिंता को गंभीर भाव से ना ले। अगर आज रावण ने अलकापुरी पर विजय हासिल कर ली तो फिर उसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। वो भस्मासुर की भांति जिस ओर देखेगा उसे भस्म कर डालेगा, अर्थात कुचलता रौंदता हुआ उस भूभाग पर अपनी जीत का पताका लहराता चला जाएगा। धरती लोक पर अपना साम्राज्य कायम कर लेने के बाद फिर एक दिन उसका अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि वो देवलोक की तरफ कूच कर जाएगा। उस दिन यहाँ भी त्राहिमा मच सकता है प्रभु। वरुण देव की बातों को सुनकर इंद्रदेव जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, वरुण देव आप कैसी बातें करते हैं, रावण और यहाँ देवलोक पर हमला करेगा? ये नहीं हो सकता है, इसे असंभव समझिए, कदाचित असंभव। नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। इंद्रदेव ने अपनी बात अभी खत्म भी नहीं की थी कि देव ऋषि नारद मुनि अपने चिर परिचित अंदाज में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ना 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 इंद्रदेव, कोई भूल मत कीजिएगा, आपकी ये भूल देवलोक के लिए भारी पड़ सकती है। इंद्रदेव ने कहा, कैसी भूल नारद जी, मैं तो यही कह रहा था कि किसी दानव के लिए क्या ये संभव है कि वो देवलोक पर हमला कर दे। नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण प्रभु, सबसे बड़ी भूल तो यही है कि आपने रावण को किसी दानव की श्रेणी में रख दिया। वो दशानन है, उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी को भी साक्षात दर्शन देने के लिए विवश कर सकता है।
अलकापुरी पर आक्रमण करके विश्व विजय अभियान की रणभेरी भर है। इसके बाद वो नहीं रुकने वाला है। सुना है युद्ध के लिए निकलने से पूर्व उसने अपने और पूरी असुरी सेना के सैनिकों के माथे पर मृत्यु का वरण करने की शक्ति प्रदान करने वाला काला टीका लगवा दिया है। नारद जी की बात का समर्थन करते हुए वरुण देव ने कहा, देव ऋषि सत्य कह रहे हैं प्रभु। लंकापति रावण ने राज दरबार में लंका राज्य के विस्तारवादी नीति के साथ साथ विश्व विजय अभियान की घोषणा भी कर दी है। उसने अपना राजदूत धरती के समस्त राजाओं के पास इस संदेश के साथ भेजा है कि स्वेच्छा से दैत्य संस्कृति को स्वीकार कर ले और अपने राज्य का लंका साम्राज्य विलय करके स्वर्ण लंका नगरी को अपनी राजधानी मान ले। रावण को विस्तारित क्षेत्र का महाराज और स्वयं को उस क्षेत्र का सूबेदार माने। रावण ने यह भी संदेश राजाओं को भिजवाया है कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अर्थ युद्ध को आमंत्रण देना समझा जाएगा और युद्ध बंदी बनाए गए राजाओं को लंका नगरी की दासता स्वीकार करते हुए एक सेवक की भांति चाकरी करनी पड़ेगी। इंद्रदेव के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और गंभीर मुद्रा में उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो ये तीनों लोगों के लिए चिंताजनक समाचार है। इतना कहकर वे नारद जी की ओर देखने लगे। नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, ये चिंता की बात तो है प्रभु। आज उसने जो किया वो भूतकाल में किसी अहंकारी शासक ने नहीं किया। एक राजा के दूत को दूसरे राजा के प्रांगण में अतिथि माना जाता है, उसे राजमंत्री का दर्जा दिया जाता है। परंतु रावण ने क्या किया, उसने अलकापुरी के दूत को ही मौत के घाट उतार दिया। अब वो उसी कुबेर पर आक्रमण करने जा रहा है जिसने स्वेच्छा से लंका की राजगद्दी इस अहंकारी रावण के लिए छोड़ दी थी। अपने छोटे सौतेले भाई को प्रोत्साहित करने के लिए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उसने स्वर्ण महल को छोड़कर सुदूर उत्तर में जाकर अलकापुरी बसा ली थी। दानव प्रवृत्ति की भी कोई सीमा तो होनी चाहिए। इंद्रदेव ने नारद मुनि से पूछा, हे जगत पिता के मानस पुत्र, आपको तो अनेक सूचनाओं का ज्ञान होता है। रावण के इस विश्व विजय अभियान के संकल्प का क्या भविष्य होगा, क्या आप इस बारे में कुछ विस्तार से बता सकते हैं? नारद मुनि ने कहा, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं प्रभु, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि जिस प्रकार रावण ने अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया है और एक के बाद एक जिस प्रकार की घटनाएं उसके जीवन में हो रही हैं, ये कोई शुभ लक्षणों की ओर इशारा नहीं करता है। अच्छा चलिए, मैं आपको कुछ विस्तार से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप अन्य देवगणों जैसे वायुदेव और अग्निदेव को भी यहाँ बुलवा लीजिए। आज देवलोक में रावण की कथा सुनी जाए। अथ श्री रावण कथा। नारायण नारायण। नारद जी की बात को सुनकर इंद्रदेव ने सहमति में सिर हिलाया और आंखें बंद करके वायुदेव और अग्निदेव का आह्वान किया। अगले ही क्षण वायुदेव और अग्निदेव दोनों प्रकट हो गए। अब नारद जी ने बोलना आरम्भ किया। उन्होंने कहा, रावण आज तीनों लोकों के लिए एक चेतावनी और चुनौती दोनों है देवगण। बहुत गंभीर और विचारणीय है ये बात जो मैं आप सभी देवगणों से कहने जा रहा हूँ। वर्तमान समय में तीनों लोकों में जगत पिता ब्रह्मा जी को जबरन अगर कोई वरदान देने के लिए विवश कर सकता है तो वो रावण है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज जब उसने अपने विश्व विजय अभियान का शुभारंभ कर दिया है तब देवलोक में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। उस दिन जब रावण ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए विवश करके अमरता का वरदान प्राप्त कर रहा था तब ये बेचैनी देवगणों को क्यों नहीं हुई। देखते ही देखते वो रावण से दशानन बन गया। उसके उपरांत लंका पर हमला करके लंकेश बन गया। फिर उसने नागलोक पर विजय प्राप्त कर ली। उसने नागदेव और वरिष्ठतम सर्प हलाहल को बंदी बनाकर लंका के कारागार में कैद कर दिया। तमला राक्षस, विलोमासुर और विष्मासुर जैसे दैत्यों का उसने सिर्फ इसीलिए संहार कर दिया क्योंकि वे रावण की आज्ञा को मानकर अपने रास्ते से हटने के लिए तैयार नहीं हुए थे। अब उसने अलकापुरी के दूत की हत्या कर दी और कुबेर पर हमले के लिए असुरी सेना को कूच करने का आदेश दे दिया है। इतना सब कुछ होने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे आप देवगण? क्या उसको पहले आप सब मिलकर रोक नहीं सकते थे? अगर आप सबने ये किया होता तो आज इतनी बेचैनी आप में नहीं होती ना। इंद्रदेव ने कहा, आपने तो कहा था कि आप अथ श्री रावण कथा सुनाने जा रहे हैं, परंतु आपने तो रावण का स्तुति गान आरंभ कर दिया देव ऋषि।
चिंता की इस घड़ी में आप कुछ उपाय सुझाने के बजाय हमें और अधिक चिंतित कर रहे हैं। आप साफ साफ बताइए देवर्षि कि आप देवताओं के पक्ष में हैं या दानवों के। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, मैं तो तीनों लोकों में विचरण करने वाला एक तुच्छ प्राणी ही हूँ प्रभु। आपने मुझसे भविष्यवाणी की आशा करके ही भूल की है। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में क्यों रहूं भला। मैं काल के कपाल पर लिखे लेख का वर्णन तो कर सकता हूँ, परंतु काल के गर्भ में क्या है ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको चेतावनी अवश्य दे सकता हूँ कि विश्व विजय अभियान सिर्फ धरती लोक को जीत कर पूर्ण नहीं हो सकता है। उसके लिए रावण को देव लोक भी आना पड़ेगा। इसके आगे आपको और क्या बताऊं प्रभु। नारायण नारायण। अब नारद की बातों को सुनकर इंद्रदेव क्रोधित होने लगे थे। उन्होंने कहा, आपके ऊपर मेरी शंका निराधार नहीं है देवर्षि। जब जंगल में नागदेव और रावण के बीच घमासान युद्ध हो रहा था, तब आपको ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि आप मध्यस्थता करने के लिए उन दोनों के बीच जाकर खड़े हो गए। हो जाने देते सर्प और दानवों के बीच एक भयंकर युद्ध, वही हो जाता फैसला। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे प्रभु ना ना ना, ऐसे भ्रम में ना रहिए। आज नागदेव कम से कम बंदी गृह में जीवित तो हैं, परंतु अगर उस दिन मैंने जंगल में उनके युद्ध को नहीं रोका होता तो ये निश्चित था कि नागदेव रावण के हाथों मारे जाते। आपको तो भली भांति ज्ञात है प्रभु कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण को सर्प प्रजाति मार ही नहीं सकती है। आपका कहना कुछ सीमा तक सत्य भी हो सकता है प्रभु कि मेरे प्रयासों से संभवतः अप्रत्यक्ष रूप में रावण की मदद हो गई हो, परंतु उसके अंदर दानवत्व की प्रवृत्ति को कम करने के लिए भी मैंने बहुत बड़ा प्रयत्न किया है प्रभु। इंद्रदेव ने सवाल किया, ऐसा क्या प्रयत्न किया है आपने देवर्षि? मुझे तो इस संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलिए बताइए प्रभु, क्या प्रेम में डूबा हुआ मन युद्ध नफरत और प्रतिशोध के बारे में सोच सकता है? सभी देवगण एक साथ बोले, कदापि नहीं, दोनों विपरीत दिशाओं के भाव हैं। नारद जी हंसने लगे और कहा, बस यही किया मैंने। दानवत्व को कम करने के लिए रावण के मन में देवत्व के भावों का बीजारोपण कर दिया बस। इंद्रदेव ने पूछा, तो इस बीजारोपण का परिणाम क्या हुआ देवर्षि? प्रेमांकुर प्रभु, प्रेमांकुर, नारद ने उत्साहित होकर कहा। इंद्रदेव ने कहा, तनिक विस्तार से बताइए देवर्षि, हमारी जिज्ञासा शांत होने के बजाय और अधिक बढ़ रही है। प्रेमांकुर अर्थात? मुस्कुराते हुए नारद मुनि ने कहा, नागदेव के दंश से जब रावण मूर्छित हो गया था, तब मन प्रवास कर रही देवगिरी पर्वत की राजकुमारी और अप्सरा पुत्री मंदोदरी को मैंने उसकी अवस्था के बारे में सूचित कर दिया और रावण के पास सहायता के लिए भेजा। मुझे पता था कि मूर्छित अवस्था में रावण संभवतः न जान पाए कि मंदोदरी ने उसके शरीर से विष को निकाला है, इसीलिए मैंने उसके विशेष सहायक कंटक को ठीक उसी समय जंगल के तपस्या स्थल पर भेजा जब मंदोदरी अपने मुख से चूस चूस कर रावण के शरीर से विषयुक्त रक्त निकाल रही थी। फिर क्या था, बन गई बात। वायुदेव ने पूछा, आपकी इन युक्तियों का परिणाम क्या हुआ देवर्षि? उत्साहित होकर नारद मुनि ने कहा, इससे प्रेमांकुर फूट गया मन में, एक दानव प्रेम पथ पर निकल चला, और क्या होगा परिणाम, बस सफल हो गई युक्ति। नारद मुनि ने इतना कहा ही था कि अग्निदेव ने नीचे धरती की ओर देखते हुए कहा, युक्ति सफल नहीं हुई देवर्षि, ये देखिए नीचे धरती लोक में क्या कर रहा है आपके प्रेम पथ का राही। समस्त देवगण और नारद मुनि धरती की ओर आश्चर्य से रावण को देखने लगे। अग्निदेव ने नारद मुनि को धरती की ओर दिखाते हुए कहा, आपने प्रेमांकुर की जो युक्ति रावण को दी थी वो पूरी तरह सफल नहीं हुई देवर्षि, आपके प्रेम पथ का राही तो आज सैन्य नायक बनकर प्रेम के स्थान पर हिंसा और रक्तपात की राह पर निकलने को तैयार है। समस्त देवगण और नारद मुनि धरती की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि रावण एक योद्धा की भांति कवच वाला बख्तरबंद सैनिक लिबास पहने हुए विशाल असुरी सेना को संबोधित कर रहा था। उसने अपनी प्रशिक्षित सेना को ललकारते हुए कहा, हे दैत्य संस्कृति के रक्षक रणबांकुरो, आज वो समय आ गया है
जब हम सब अपनी ललाट पर काला टीका लगाकर असुर राज के प्रसार के लिए कूच करने को तैयार हैं। तीनों लोकों में अनुशासन और शौर्य के लिए अगर किसी सेना का नाम लिया जाता है तो वो हमारी लंका की असुरी सेना है। ये हमारा संकल्प है कि हम विश्व विजयी होकर ही लौटेंगे। आज विश्व विजय अभियान के शुभारंभ का दिन है। आइए एक साथ हमारी जीत की कामना में नारे बुलंद करें। इन गगनभेदी नारों की गूंज तीनों लोकों में सुनाई देनी चाहिए। इतना कहकर रावण ने ऊंची आवाज में नारे की पहली पंक्ति का उद्घोष किया। विश्व विजय का नारा है, पूरी असुरी सेना ने एक साथ कहा। तीनों लोक हमारा है। इसके बाद सभी सैनिक नारों को दोहराने लगे। विश्व विजय का नारा है, तीनों लोक हमारा है, बज गया है युद्ध का डंका, जीतेगी रावण की लंका। इसके बाद असुरी सेना ने गगन भेदी जय घोष के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लंकापति रावण की जय, राज संरक्षक दैत्यराज सुमाली की जय, लंका की विस्तार नीति की जय, राजमाता कैकसी की जय, लंकेश की जय, दैत्य संस्कृति की जय, असुर राज की जय, लंकेश का विश्व विजयी अभियान सफल हो, सफल हो। युद्ध घोष, जयकारों और नारों के साथ ही महाबली रावण के विश्व विजय अभियान की शुरुआत हो गई। हजारों असुरी सेना का लश्कर लंका से उत्तर दिशा की ओर कूच कर रहा था। हवाओं में अनवरत नारे गूंज रहे थे। लंकापति रावण की जय, महाबली दशानन की जय, दैत्य संस्कृति की जय। लश्कर में सबसे आगे रावण अपने घोड़े पर सवार होकर चल रहा था। उसके बाद वाली पहली पंक्ति में दैत्यराज सुमाली, सेनापति मलय, रावण का विशेष सहयोगी कंटक और भाई विभीषण चल रहे थे। रावण ने सबका आह्वान करते हुए कहा, चलते रहो, हमें शीघ्र ही अलकापुरी पहुंचना है। उधर अलकापुरी में राज्य का सेनापति मणिभद्र महाराजा कुबेर के कक्ष में आया और कहा, धनधान्य के देव महाराजा कुबेर की जय हो। कुबेर ने देखा कि मणिभद्र कुछ परेशान लग रहा था। उसने कहा, आओ मणिभद्र, तुम्हारे शांत और धीर गंभीर चेहरे को देखकर हम निश्चिंत हो जाया करते थे, परंतु आज तुम्हारे मुखमंडल पर ये तनाव की लकीरें कैसे? कोई ऐसी बात जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मणिभद्र ने कहा, महाराज मैं आपसे कुछ क्षण के लिए एकांत में बात करना चाहता हूँ। कुबेर ने कहा, एकांत में? ऐसा क्या है मणिभद्र? महाराज कुबेर ने स्थिति की गंभीरता को समझने में एक क्षण की भी देरी नहीं की और उन्होंने सेवक सेविकाओं को कक्ष खाली करने का इशारा किया। मणिभद्र महाराजा कुबेर के निकट आया और उसने कहा, महाराज दक्षिण की ओर से गुप्तचरों ने यह समाचार दिया है कि चैतन्य का घोड़ा वापस अलकापुरी की सीमा में प्रवेश कर चुका है। कुबेर ने कहा, चलो कुछ ही देर में हमें यह पता चलेगा कि रावण ने हमारे संदेश पर क्या प्रतिक्रिया दी है। परंतु ये समाचार तुम मुझे इतने गुप्त और संदिग्ध तरीके से क्यों दे रहे हो? इस सूचना के लिए एकांत की क्या आवश्यकता थी मणिभद्र? सेनापति मणिभद्र ने सिर झुकाकर कहा, महाराज रावण ने आपका संदेश किसी लिखित पत्र लिपि में लिखकर नहीं भेजा है, बल्कि बोहल कपूरी के सफेद घोड़े की पीठ पर लाद कर लाया जा रहा है। कुबेर ने हैरान होकर पूछा, लाद कर लाया जा रहा है? इसका क्या अर्थ हुआ? मणिभद्र ने रुंधे हुए गले से कहा, महाराज चैतन्य वीर गति को प्राप्त हो गया है। रावण ने राज दरबार में सबके सामने चैतन्य की निर्मम हत्या कर दी है। ये कोई शुभ संकेत नहीं है महाराज। ऐसा प्रतीत होता है कि अलकापुरी राज्य के राजदूत की हत्या करके रावण ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें आपका प्रस्ताव अस्वीकार है। कुबेर को इस समाचार ने उत्तेजित कर दिया और वो क्रोधित होकर बोला, क्या चैतन्य अब हमारे बीच नहीं रहा? ओह, मैंने एक अमूल्य रत्न खो दिया। एक दूत की हत्या कर दिया जाना कोई मामूली घटना नहीं है मणिभद्र। मैं रावण के व्यवहार से भली भांति परिचित हूं। दूत की हत्या का अर्थ है कि रावण के अहंकार की पराकाष्ठा ने उसके नाश का द्वार खोल दिया है। परंतु हमें सतर्क रहना होगा। चैतन्य की हत्या के बाद हमारे संदेशों से बौखलाया हुआ रावण अलकापुरी पर हमला भी कर सकता है। हो सकता है कि जिस साम्राज्यवादी नीति के विस्तार से मैं उसे रोकना चाहता था, अपना विरोध दर्शाने के लिए उस नीति का आधिकारिक शुभारंभ अलकापुरी पर हमले के साथ ही करे। ऐसा मुझे कोई अंदेशा नहीं है, बल्कि मेरा अंतर्मन बार बार मुझे यह संदेश दे रहा है कि तैयार रहो, किसी भी क्षण रावण आ सकता है। कुबेर ने एक लंबी सांस ली और कहा, लंका की ओर से आने वाले हमले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।
दक्षिण से उत्तर की ओर आने वाले रास्तों पर जहां कहीं भी अलकापुरी के गुप्तचर तैनात हैं, उनसे प्रतिपल सूचनाएं मांगो। मुझे यथाशीघ्र सूचित करो। लंका से आने वाले मार्ग पर होने वाली हर हलचल पर नजर रखो। अपनी सेना को जवाबी हमले के लिए तैयार रहने बोलो। शस्त्रागारों के दरवाजों को खोल दिया जाए। मणिभद्र ने कहा, महाराज, लंका में जवासुरी सेना के जवाब में आपने मुझे कहा था कि मैं कुंबल बेला की पहाड़ी के पास ही रावण की विशाल असुरी सेना को रोककर रावण को वार्ता के लिए निमंत्रण दूं। तब मेरा अंतर्मन आपके इस आदेश के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। स्वयं पर बहुत कठिनाई से काबू पाकर मैं कुंबल बेला की पहाड़ी पर गया था। जब आपने लंकापुरी स्वेच्छा से रावण के हवाले कर दिया था, उस समय आपकी शाही सेना की भुजाएं फड़क रही थी कि एक बार, बस एक बार लंका की शाही असुरी सेना से आमने सामने की टक्कर करने का अवसर मिल जाए तो उन्हें परास्त कर दिया जाए। परंतु आपके फैसले के सम्मान में हम सब चुपचाप लंका असुरों को सौंप कर अलकापुरी के लिए कूच कर गए थे। इतना कहकर मणिभद्र अपने दांतों को पीसते हुए बोला, परंतु महाराज, इस बार अगर रावण ने अलकापुरी पर हमले का दुस्साहस किया तो अलकापुरी की यक्ष सेना आमने सामने की टक्कर लेने की आपसे अनुमति चाहेगी। इस बार या तो हम विजयी होंगे या वीर गति को प्राप्त करेंगे। कुबेर ने कहा, रावण को अपना अनुज समझकर उसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमने हमेशा उसकी मनमानी को बढ़ावा दिया। उसने लंका युद्ध करके छीनना चाहा, मैंने उसे स्वेच्छा से दे दिया। मैं रक्तपात के खिलाफ था, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि अपनी प्रजा की सुरक्षा और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तलवार उठानी पड़े तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं तुमसे सहमत हूं मणिभद्र, अगर इस बार रावण ने अलकापुरी की सीमा के अंदर अपने कदम रखे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। महाकाल स्वयं यक्ष और दैत्यों के बीच होने वाले इस युद्ध के साक्षी बनेंगे। इतिहास के पन्नों पर जब भी कभी इस युद्ध की चर्चा होगी तब ये बात स्वर्णाक्षरों से लिखी जाएगी कि अलकापुरी में यक्ष और दानवों के बीच हुआ ये युद्ध हठधर्मिता और अति महत्वाकांक्षा से उत्पन्न हुए एक अहंकारी दानव को सबक सिखाने के लिए लड़ा गया था। उधर रावण का लश्कर अलग अलग भूभागों को पार करता हुआ उत्तर दिशा में बर्फ के पहाड़ों की ओर बढ़ रहा था। सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए कंटक ने रणभेरी वादकों के दल को मार्ग में निरंतर रणभेरी बजाते रहने का निर्देश दिया। उत्साहित असुरी सेना जयकारा के साथ आक्रामक मुद्रा में आगे बढ़ रही थी। पूरे जोश के साथ ऊपर आसमानों की तरफ देखकर सैनिक बार बार इन नारों को लगा रहे थे, विश्व विजय का नारा है, तीनों लोक हमारा है, बज गया है युद्ध का डंका, जीतेगी रावण की लंका। नारों का तीव्र शोर और रणभेरी की आवाजें मिश्रित होकर देवलोक तक पहुंच रही थी, जहां पहले से ही देवगण और नारद मुनि टकटकी लगाए रावण की असुरी सेना को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। देवर्षि नारद ने इंद्र देव से कहा, सुन रहे हैं ना प्रभु, अलकापुरी के लिए प्रस्थान करते समय रावण ने क्या नारा दिया है? विश्व विजय का नारा है, तीनों लोक हमारा है। मतलब सिर्फ धरती लोक नहीं, सिर्फ पाताल लोक नहीं, बल्कि तीनों लोक, अर्थात उनके निकट भविष्य का गंतव्य देवलोक ही मालूम पड़ता है। आत्ममुग्धता में लीन देवराज इंद्र ने कहा, यह असंभव है देवर्षि कि दानवों की सेना देवलोक में आकर इंद्रपुरी पर हमला बोले। आज तक ऐसा संभव नहीं हुआ है। इन दानवों को नहीं भूलना चाहिए कि इनकी ऐसी ही असुरी गतिविधियों और दुष्टता के कारण देवों को विवश होकर भगवान विष्णु से मदद मांगनी पड़ी थी और उस महासंहार में हजारों की संख्या में दैत्य मारे गए थे। अगर वे इतिहास से कोई सबक नहीं लेना चाहते हैं तो इस बार उन्हें हम विवश होकर सुदर्शन चक्रधारी के सम्मुख याचना करेंगे। नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, आपका आत्मविश्वास कहीं अति आत्मविश्वास न निकले प्रभु, यही कामना है। मेरी ओर से तो यही बिन मांगी सलाह है प्रभु कि जो विधिवत घोषणा करके निकला है कि उसका लक्ष्य विश्व विजय ही है, उसे हल्के में ना ले, उस पर निरंतर अपनी दृष्टि बनाए रखें प्रभु। अभी आपके लिए राहत की बात यह है कि घोषणा के अनुसार पहले रावण पृथ्वी के समस्त राजाओं के साम्राज्य पर लंका का पताका लहराएगा, उसके उपरांत संभवतः वो देवलोक की ओर प्रस्थान करेगा। नारद मुनि की बात को इंद्र देव ने इस बार थोड़ी गंभीरता से लेते हुए कहा, हम ऐसी स्थिति बनने ही नहीं देंगे देवर्षि। रावण के विश्व विजय अभियान के पहले गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही हम देवगण उसकी योजनाओं को हवा में उड़ा देंगे। इंद्रदेव ने वायुदेव और अग्निदेव की ओर देखा और बोले, हे देवगणों, आप लोग जाइए और उस उन्मादी रावण को अभियान का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकिए।
हर संभव प्रयास कीजिए जिससे उसके रथ के पहिए अलकापुरी पहुंचने से पूर्व ही थम जाए। इधर रावण ने आगे बढ़ते हुए नाना सुमाली से कहा, संध्या काल के बाद इतनी बड़ी सेना को लेकर अंधेरे में आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। आप बताइए कि रात्रि का पड़ाव कहां डाला जाए। सुमाली ने कहा, ग्रीवा ने लंका से अलकापुरी मार्ग का विस्तृत अध्ययन किया है। मैं उससे पूछता हूं कि रात्रि पड़ाव हेतु कौन सा स्थान उपयुक्त होगा। तीव्र गति से दौड़ते हुए घोड़ों के समूह में यह पहचान पाना मुश्किल था कि ग्रीवा सेना की किस टुकड़ी के साथ चल रहा था। इसीलिए दैत्यराज सुमाली ने एक घुड़सवार सैनिक को ग्रीवा को बुलाने के लिए भेजा। कुछ ही क्षणों में एक काले घोड़े पर सवार लंबी दाढ़ी वाला सैनिक दैत्यराज के घोड़े के बगल में उसकी गति से अपनी गति को मिलाकर चलने लगा। काले कपड़ों वाले उस घुड़सवार सैनिक ने कहा, आपने मुझे उपस्थित होने का संदेश भिजवाया था दैत्यराज, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है। दैत्यराज सुमाली ने कहा, तुम कौन हो सैनिक, हाँ अपना परिचय दो। काली दाढ़ी वाले घुड़सवार सैनिक ने हंसते हुए कहा, अरे दैत्यराज, आपने मुझे इस मायावी रूप में संभवत नहीं पहचाना। मैं ग्रीवा हूँ, ग्रीवा लश्कर के सैनिकों की गतिविधियों और आसपास के माहौल पर नजर रखने के लिए मैंने ये रूप धारण किया है। आप बताइए कि आपने मुझे किस कारणवश बुलवाया था। रावण ने नाना सुमाली से हंसते हुए कहा, नाना श्री, इतनी तेज रफ्तार से भागते हुए घोड़े में बैठकर भी मैंने ग्रीवा के मायावी रूप को पहचान लिया था, आप भला कैसे चूक गए। सुमाली ने कहा, हाँ, मैं किसी अन्य चिंतन में लीन था। हाँ, अच्छा सुनो ग्रीवा, सूरज के ढलने के उपरांत हमें किसी सुरक्षित स्थान पर पड़ाव डालना होगा। तुम्हें इस मार्ग की अच्छी जानकारी है, हमें बताओ कि हम लोग इतने बड़े सैनिक बेड़े के साथ कहां रात्रि पड़ाव डालेंगे। ग्रीवा ने कहा, इस संबंध में आप क्यों चिंतित होते हैं दैत्यराज, ये कार्य मेरे हिस्से का है। यहां से कुछ ही दूरी पर रेगिस्तान शुरू होता है, उससे पहले ही सुमेरु पर्वत श्रृंखला है, उसी के किनारे किनारे हमारा लश्कर चलेगा और कुछ दूर चलने के उपरांत पाली दर्रा आएगा, वहीं हमारा रात्रि विश्राम होगा। वहां पहले से ही अन्वेषी हलवाइयों और सेवकों के साथ मिलकर सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही लंका के रसोइयों के हाथ का ताजा पका हुआ स्वादिष्ट भोजन बनकर तैयार हो चुका होगा। दैत्यराज सुमाली ने कहा, वाह, मैं तुम्हारी तैयारियों से प्रसन्न हुआ ग्रीवा। मुझे लगता है सुमेरु पर्व श्रृंखलाएं आरंभ हो चुकी हैं। यही वो मार्ग है जिन पर चलकर हमें पाली दर्रे तक पहुंचना है। चलो सभी लोग अपनी गति बढ़ाओ, अंधेरा हो चुका है, तेजी से आगे बढ़ो। अश्वताप की आवाज तेज होने लगी। सैनिकों में उत्साह का संचार करने के लिए कंटक ने रणभेरी वादकों को तीव्र ध्वनि में रणभेरी बजाने का निर्देश दिया। सैनिकों ने घोड़ों की गति को बढ़ाते हुए उत्साहित होकर जय घोष आरंभ कर दिया। बज गया है युद्ध का डंका, जीतेगी रावण की लंका, लंकापति रावण की जय, राज संरक्षक दैत्यराज सुमाली की जय, लंका की विस्तार नीति की जय, राजमाता कैकसी की जय, लंकेश की जय, दैत्य संस्कृति की जय, असुर राज की जय, लंकेश का विश्व विजयी अभियान सफल हो, सफल हो। तेज गति से आगे बढ़ते हुए अचानक सबने देखा कि रावण ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर लश्कर को रुकने का आदेश दिया। घोड़ों की लगाम खींच दिए गए। अचानक गति में अवरोध उत्पन्न होने से घोड़ों की हिनहिनाहट से आसमान गूंज उठा। अश्वताप की ध्वनियां और रणभेरी शांत हो गई। रावण ने नाना सुमाली से कहा, सामने देखिए नाना श्री, हमारी गति को थामने के उद्देश्य से कोई विशालकाय दैत्यकार आकृति हमारी ओर तीव्र गति से चली आ रही है। दैत्यराज सुमाली, कंटक, ग्रीवा और विभीषण सामने से आ रही दैत्यकार आकृति को देखकर अवाक रह गए। रावण ने रुकने का निर्देश दिया और असुरी सेना की रफ्तार अचानक थम गई। सबने देखा कि एक दैत्याकार विशाल आकृति बहुत दूर से तीव्र गति से असुरी सेना के लश्कर की तरफ सुमेरु पर्वत श्रृंखला के किनारे किनारे चलती हुई आगे बढ़ रही है। रावण ने कहा, अभी सेना को यही रोकना होगा। मैं देख रहा हूं कि जो आकृति हमारी तरफ बढ़ रही है उसकी गति अति तीव्र है। कंटक ने रावण से कहा, महाराज लंकेश, न सिर्फ गति अति तीव्र है बल्कि उस आकृति के मार्ग में जो कुछ भी आ रहा है
उसे वो उड़ाते हुए आसमान की तरफ उछाल दे रही है। सभी लोग हैरान होकर उस आकृति की तरफ देख रहे थे। इसी बीच आसमान से उड़ता हुआ एक चील रावण के घोड़े के सामने आकर उतरा। देखते ही देखते उस चील ने मानव रूप धारण कर लिया। उसे देखते ही ग्रीवा ने कहा, यह हमारा प्रशिक्षित गुप्तचर शुक है लंकेश। उसने आने वाले गुप्तचर से पूछा, बोलो शुक, क्या समाचार लाए हो? चील से परिवर्तित हो इंसान बन चुके गुप्तचर शुक ने कहा, महाराज लंकेश की जय हो, दैत्यराज सुमाली की जय हो। महाराज, तीव्र गति से जो विशालकाय आकृति हमारी तरफ बढ़ रही है वो एक अविश्वसनीय बवंडर है। अविश्वसनीय इसलिए कि ये कोई सामान्य बवंडर नहीं लगता। जो कुछ भी इसके मार्ग में आ रहा है उसे वो तहस नहस करके आगे बढ़ रहा है। अगर ये बवंडर हमारी असुरी सेना से टकराता है तो इसका अर्थ यह है कि हमारे घोड़े, हाथी, रथ और पूरा का पूरा लश्कर तितर बितर हो जाएगा और इतनी बड़ी संख्या में जान माल की क्षति होगी कि उसके बाद हम युद्ध के लिए आगे बढ़ पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। चाहे कुछ भी हो महाराज, इस बवंडर को हमें पाली दर्रा पहुंचने से पहले ही रोकना पड़ेगा। पाली दर्रे में अन्वेषी के नेतृत्व में लंका के शाही रसोइयों एवं अन्य सैनिकों द्वारा हमारी बृहत रसोई स्थापित की गई है, जहां आज के रात्रि पड़ाव के लिए पूरी सेना का भोजन बनाया जा रहा है। अगर वो बवंडर पाली दर्रे तक पहुंच गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। न हमें भोजन मिल पाएगा और न ही हमारे मवेशी एवं सैनिक सुरक्षित रह पाएंगे। रावण ने कहा, इस बवंडर को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे जरूर कोई षड्यंत्र है जो हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। जब तक मैं इसके निकट नहीं पहुंच जाता इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल है कि यह आखिरकार है क्या, मानव निर्मित है अथवा प्राकृतिक है। लेकिन इस आपदा से निपटने के लिए मैं अपने किसी सैनिक को लेकर उसके निकट नहीं जा सकता। इसके लिए मैं स्वयं आगे जाऊंगा। आप सब कुछ देर के लिए यहीं प्रतीक्षा करें। सुमाली ने कहा, पुत्र रावण, अगर तुम उचित समझो तो तुम्हारे सहयोग के लिए एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी मैं तुम्हारे पीछे भेज देता हूं। रावण ने कहा, नहीं नानाश्री, ये एक असामान्य सी आपदा है जो सैनिकों के बस की बात नहीं लगता है। मुझे स्वयं इसका सामना करना होगा। इतना कहकर रावण ने अपने घोड़े को धनुष से निकले हुए तीर की रफ्तार में उस बवंडर की तरफ भगा दिया। असुरी सेना अपनी जगह खड़ी रही। जैसे ही रावण अपने घोड़े को लेकर बवंडर की तरफ निकला, उसके पीछे पीछे बिना किसी की आज्ञा लिए और बिना किसी से कुछ कहे कंटक भी लंकेश के पीछे चला गया। सेनापति मलय ने चिल्लाते हुए कहा, कंटक रुको, महाराज लंकेश्वर ने इस कार्य को पूरा करने के लिए अकेले ही जाने का फैसला किया था। बिना उनकी अनुमति के तुम्हें उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। घोड़े को तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए चिल्लाकर कंटक ने मलय को जवाब दिया, कंटक लंकेश का हमसाया है, मैं किसी भी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं करूंगा, परंतु मुझे लंकेश के पीछे रहना होगा। मैं क्षमा चाहता हूं, लौट कर बताऊंगा। इतना कहकर कंटक ने तेजी से रावण का पीछा करना आरंभ कर दिया। परंतु कुछ ही क्षणों के भीतर रावण बहुत आगे निकल चुका था। अगले कुछ क्षणों में रावण उस विशालकाय बवंडर के निकट पहुंचने वाला था। उसने देखा कि पाली दर्रे पर बहुत विशाल सैनिक शिविर लगाया गया था, जहां रात्रि के पड़ाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। पाली दर्रे से आगे बढ़ता हुआ रावण बवंडर के समीप पहुंचा। लंकेश का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कंटक के अति तीव्र से घोड़ा दौड़ाने के बावजूद रावण का घोड़ा उसकी नजर से ओझल हो गया। रेगिस्तान की रेत बवंडर को और अधिक खतरनाक बना रही थी। धूल का गुबार इतनी तेजी से बह रहा था कि रेत के नुकीले कण आंखों में मिर्च की तरह चुभ रहे थे। कंटक और उसके घोड़े के लिए अब आगे बढ़ पाना असंभव था। कंटक ये चिंता कर रहा था कि पता नहीं लंकेश का क्या होगा, क्योंकि इस तूफान के जो भी संपर्क में आ रहा था उसे उड़ाते हुए बवंडर आसमान की तरफ उछाल दे रहा था। मवेशियां, झोपड़ियां, मकान, बाजार, जो कुछ भी उस बवंडर के रास्ते में आया उसने उन्हें आसमान की तरफ तेज गति से उछाल दिया। कंटक ने घोड़े की आंख पर एक कपड़ा बांध दिया ताकि उसकी आंख रेत कणों से क्षतिग्रस्त होने से बच सके। उसके लिए भी अति तीव्र गति से बहने वाली रेतीली हवा का सामना करना मुश्किल हो रहा था। उसने अपना सिर घोड़े की पीठ पर झुका दिया और इस बवंडर के गुजर जाने की प्रतीक्षा करने लगा।
कंटक अपने सिर को घोड़े की पीठ पर झुकाकर स्वयं से संवाद कर रहा था। अगर लंकेश ने कोई अन्य फैसला लिया होता तो संभवतः वह उचित होता। इस तरह अचानक उस दैत्याकार विशाल बवंडर के सामने जाकर खड़े हो जाने का ना जाने क्या परिणाम होगा। कुछ देर तक कंटक ने कांटे की तरह चुभने वाले रेतीले तूफान का सामना किया। उसको महसूस हो रहा था कि जब बवंडर उसके पास से गुजरेगा तब वो और उसका घोड़ा भी आसमान की तरफ बवंडर की तीव्रता के कारण उड़ने लगेंगे। कंटक ने घोड़े की लगाम को कसकर थाम लिया था। उसकी सोच से ठीक विपरीत पूरे शरीर पर सुई की तरह चुभने वाले रेत कण अब धीमे धीमे कम चुभ रहे थे। हवाओं की रफ्तार धीमी हो गई थी और जो दैत्याकार बवंडर जमीन से उठकर आसमान तक फैला हुआ था उसका आकार घटने लगा था। तेज बहने वाली तूफानी रेतीली हवा शांत हो गई थी परंतु धूल का गुबार इतना घना था कि कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा था। एक तो शाम का अंधेरा और ऊपर से धूल भरी आंधी, चारों तरफ सन्नाटा और कालीमा थी। कंटक ने महसूस किया कि बवंडर की दैत्याकार आकृति अब छोटी होने लगी थी। कुछ देर के बाद कंटक ने घोड़े की आंख पर बंधी हुई पट्टी को खोल दिया। उसने देखा कि तूफान थम चुका था परंतु अब भी अंधेरा इतना घना था कि घोड़े से कुछ दूर आगे तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने ध्यानपूर्वक देखा कि कोई धुंधली सी मानवाकृति घोड़े की ओर बढ़ रही थी। उसने काफी मेहनत की यह पता करने के लिए कि आखिर कौन उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। कंटक घोड़े से उतर गया और उसने अपने कमर में बंधे म्यान से तलवार को निकाल लिया। अब कंटक ने गौर से उस आकृति की तरफ देखा। उसको जो छवि दिखाई पड़ रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधे पर एक बोझ लिए उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे पदचाप की आवाज के साथ साथ घोड़े के चलने का अश्वताप भी सुनाई देने लगा। उसने अनुमान लगाया कि सामने से अंधेरे को चीरते हुए जो व्यक्ति उसकी ओर बढ़ रहा है उसके कंधे पर कोई भारी बोझ है और उसके पीछे पीछे एक घोड़ा भी है जो उसके साथ चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। जैसे ही कुछ दृश्य स्पष्ट होने लगे कंटक ने देखा कि उसके सामने से आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लंकेश्वर रावण था। कंटक भागता हुआ महाराज रावण के समीप गया और उसने पूछा, लंकेश, ये आपके कंधे पर कौन है जिसे आपने रस्सी से बांध रखा है? रावण ने कंधे पर लदे हुए रस्सियों से बंधे हुए उस व्यक्ति को उतार कर जमीन पर खड़ा कर दिया और कंटक से कहा, अब तुम स्वयं पहचान लो कि ये कौन है। कंटक ने गौर से देखा और अनायास ही उसके मुंह से निकला, वायुदेव, आप इस अवस्था में? फिर उसने रावण की ओर मुड़कर पूछा, लंकेश, आपने वायुदेव को क्यों बंदी बना लिया है? रावण ने कपड़े के टुकड़े से अपने ललाट पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए कहा, वायुदेव मेरे विश्व विजय अभियान के मार्ग को अवरुद्ध करना चाहते थे और रावण को यह मंजूर नहीं। आज वायुदेव के स्थान पर स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी होते तो भी मुझे अलकापुरी पहुंचने से रोक नहीं पाते। ले जाओ वायुदेव को और इन्हें तब तक मुक्त मत करना जब तक हम अलकापुरी पर विजय प्राप्त न कर ले। और हाँ, इन्हें इसी अवस्था में सेना के साथ साथ ढोते हुए मैं अलकापुरी जाना चाहता हूं। कंटक ने कहा, जो आ गया लंकेश, यही समीप में हमारा रात्रि पड़ाव शिविर लगा है। आइए लंकेश, आप वहीं विश्राम कीजिए, मैं अपनी पूरी सेना को लेकर पाली दर्रे पर पहुंच रहा हूं। उधर देवलोक में नाराज होकर देवर्षि नारद इंद्रदेव से कह रहे थे, नारायण नारायण, मैंने पहले ही कहा था इंद्रदेव, रावण का संकल्प बहुत भारी है परंतु आपने वायुदेव को भेजकर अपनी मनमानी करनी चाहिए। उसका परिणाम यह हुआ कि आज वायुदेव एक बंदी के रूप में रावण की सेना के साथ साथ अलकापुरी जा रहे हैं। ये कैसा युद्ध है प्रभु, जिसके आरंभ होने से पूर्व ही सेना के साथ साथ युद्ध बंदी भी चल रहे हैं। इंद्रदेव ने कहा, देवर्षि, मुझे तनिक भी इस बात का अनुमान नहीं था कि रावण अकेले ही वायुदेव को रोक लेगा और उन्हें बंदी भी बना लेगा, अन्यथा मैं वायुदेव को उसके मार्ग को अवरुद्ध करने हेतु नहीं भेजता। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, जो हुआ सो हुआ प्रभु, परंतु अभी भी आपके पास एक अवसर है। अगर आपने ये सोचा है कि रावण के मार्ग में अगला अवरुद्ध आप अग्निदेव से उत्पन्न करवाएंगे
तो उन्हें इसी क्षण रोकिए, क्योंकि अगर अग्निदेव को रावण ने बंदी बना लिया तो समस्त सृष्टि का काम काज रुक जाएगा। इंद्रदेव ने कहा, आप ठीक कहते हैं देवर्षि, इस समय रावण को रोकना अपने एवं समस्त जगत के लिए मुसीबत मोल लेने के समान है। मैं अभी अग्निदेव का आह्वान करके उन्हें देवलोक में वापस बुला लेता हूं। उधर धरती लोक पर अलकापुरी के राजमहल में गुप्तचरों द्वारा ये सूचना पहुंचा दी गई थी कि पाली दर्रे में रावण की विशाल असुरी सेना ने रात्रि पड़ाव डाला है और वे सब सुबह पौ फटने से पूर्व ही अलकापुरी की तरफ कूच कर जाएंगे। कुबेर ने मणिभद्र से कहा, सेनापति, अब आप अलकापुरी की यक्ष सेना के सेनानायक के रूप में मुझे सलाह दें कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मणिभद्र ने कहा, महाराज, हमारा पाली दर्रे में जाकर असुरी सेना पर हमला बोलना मूर्खतापूर्ण कदम होगा, इसलिए हमें सूर्योदय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी यक्ष सेना पूरी तरह तैयार है, और अगर आप आदेश दें तो अलकापुरी की सीमा में प्रवेश करने से पूर्व हिमालय की तराई में लंका की असुरी सेना को रोककर हम वहीं रावण को युद्ध की चुनौती दे दें। कुबेर ने कहा, यह सुझाव स्वागत योग्य है। मैं सुबह सूर्योदय से पूर्व हिमालय की तराई में जाने को तैयार हूं। तुम यक्ष सेना को कल सुबह युद्ध के लिए तैयार कर लो। पाली दर्रे में विशाल भोजनालय स्थापित किया गया था एवं रात्रि पड़ाव शिविर लगाई गई थी। सभी सैनिक स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे, परंतु रावण, कंटक और मलय एक किनारे खड़े होकर कुछ बेहद अहम बातचीत करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। रावण ने कंटक से कहा, यथाशीघ्र नानाश्री को यह सूचित करो कि मैं उनसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। अगले ही क्षण समीप में सैनिकों की भोजन की व्यवस्था की निगरानी कर रहे दैत्यराज सुमाली को कंटक ने बताया कि रावण उन्हें याद कर रहे हैं। वे उस स्थान पर अविलंब पहुंच गए जहां रावण और मलय आपस में विमर्श कर रहे थे। कंटक दूर से देख पा रहा था कि रावण, सुमाली और मलय आपस में कुछ गहन चर्चा करने लगे। कुछ देर चली इस मंत्रणा के बाद रावण ने कंटक को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा। रावण की बात को सुनकर कंटक ने सहमति में सिर हिलाया और भोजन करने के उपरांत विश्राम कर रहे सैनिकों की ओर चला गया। पाली दर्रे से कुछ दूरी पर अलकापुरी के राजमहल में मध्य रात्रि के बाद एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। भय और असुरक्षा के मिश्रित भाव से सभी सैनिक अत्यधिक चौकन्ने होकर पहरा दे रहे थे। अचानक तेज गति से किसी के भागने की आवाज राजमहल में गूंजने लगी। उस व्यक्ति के जूतों की आवाज राजमहल में गूंजने लगी। उसे भागते हुए कोई सैनिक रोक नहीं रहा था, बल्कि भाले से बने हुए मार्ग अवरोधकों को हटाते हुए सैनिक उसके लिए मार्ग बना रहे थे। भागने वाला व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ महाराज कुबेर के शयन कक्ष में दाखिल हुआ। अलकापुरी के महाराजा कुबेर को अपने बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी, परंतु सेवकों के सामने वो निद्रा में होने का अभिनय कर रहे थे। अचानक किसी के शयन कक्ष में घुसते ही कुबेर घबरा कर अपने बिस्तर पर उठ बैठा। कमरे के अंदर आए हुए आदमी को देखते ही उसने कहा, अरे मणिभद्र, तुम इतना हांफ क्यों रहे हो? बाहर सब ठीक है ना? कुबेर के पूछने पर मणिभद्र ने कहा, महाराज, बाहर सब कुछ ठीक नहीं है। हम जिस असुरी सेना के सुबह पौ फटते ही अलकापुरी में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो सेना पाली दर्रे से अलकापुरी पर हमला करने के लिए कुछ देर पूर्व प्रस्थान कर चुकी है। अलकापुरी की तरफ बढ़ रही मायावी शक्तियों से लैस सेना का नेतृत्व स्वयं रावण कर रहे हैं। कुबेर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या कहा? लंका की सेना कूच कर चुकी है, परंतु हमें जो सूचना मिली थी उसके अनुसार तो असुरी सेना को ब्रह्म मुहूर्त में कूच करना था। मणिभद्र ने कहा, जी महाराज, हमें मिली सूचना बिल्कुल सही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अकस्मात रावण ने युद्ध की रणनीति बदलकर हमें चकमा देने की कोशिश की है। लंका वाले सोचते हैं कि मध्य रात्रि को हमला कर देने से वे लोग अलकापुरी पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। कुबेर ने कहा, ये रावण भी ब्रह्मा जी से मिले वरदान की शक्ति के कारण अत्यंत अभिमानी हो गया है। इसे इस बात का घमंड है कि दुनिया की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती, और वो किसी पर भी विजय प्राप्त कर लेगा। उसने हमारे आशीर्वाद, उपहार और उपकार का अनुचित अर्थ लगाया है। उसको ये लगता है
कि वो शक्ति का उपासक है, इसीलिए एक लक्ष्मी का उपासक भला उसके सामने क्या युद्ध करेगा। परंतु मणिभद्र, मैं ये कहना चाहता हूं कि रावण के अहंकार और दुस्साहस का जवाब अगर युद्ध है तो मैं अभी इसी समय युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हूं। मणिभद्र ने कहा, महाराज रावण आपके छोटे भाई हैं, परंतु उन्हें सत्य का ज्ञान कराना भी बहुत आवश्यक है। उन्होंने अपने अहंकार को ही सत्य मान लिया है। कुबेर ने सहमति में सिर हिलाते हुए मणिभद्र से पूछा, क्या तुमने हमारी यक्ष सेना को युद्ध के लिए सतर्क कर दिया है? मणिभद्र ने कहा, अलकापुरी की यक्ष सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है महाराज, बस राजमहल में रणभेरी बजने की देर है। अपनी अपनी छावनियों, अलकापुरी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की सेना रणभूमि के लिए कूच कर जाएगी। कुबेर ने कहा, अगले कुछ क्षणों में हम सब राजमहल के मुख्य द्वार पर इकट्ठा होंगे। राजमहल और सैन्य छावनियों में रणभेरी बजा दी जाए, पूरी सेना युद्ध के लिए तैनात कर दी जाए। मणिभद्र ने कहा, हमें तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है महाराज। हिमालय की तराई में अलकापुरी के सैनिकों की छावनी है। जब तक हम तराई क्षेत्र तक पहुंचेंगे, अलकापुरी की सेना रावण को वही रणभूमि में रोक कर रखेगी। उधर पाली दर्रे से आधी असुरी सेना और अस्त्रों के साथ रावण ने अलकापुरी की ओर हमले के उद्देश्य से प्रस्थान किया। हिमालय पर्वत श्रृंखला के तराई क्षेत्र में पहुंचने से पूर्व नाना सुमाली ने रावण से कहा, भोजन के उपरांत तुमने जो ये योजना बनाई कि हमें आधी रात को ही अलकापुरी पर चढ़ाई कर देनी चाहिए, यह अत्यंत ही प्रशंसनीय योजना थी। मैं तो तुम्हारी सूझबूझ और युद्ध कौशल में निपुणता का हमेशा ही प्रशंसक रहा हूँ। हाँ, रावण ने कहा, नानाश्री वैसे तो युद्ध और प्रेम में कोई तय नियम नहीं होते हैं। प्रेम और युद्ध का परिणाम एक ही कसौटी पर कसा जाता है और वो है आपका अपना समर्पण। जब लंका से हम अलकापुरी पर विजय हासिल करने के लिए निकल ही गए हैं तो क्या दिन और क्या रात, जब हमें अवसर मिले अलकापुरी के राज सिंहासन पर कब्जा जमा लेना चाहिए। बस एक ही अंतर होता है नानाश्री, कि युद्ध में जीतने वाला ही विजेता होता है और प्रेम में हारने वाला भी। सेनापति मलय ने रावण की बात को सुनकर कहा, महाराज आप तो युद्ध क्षेत्र में दर्शन शास्त्र की बात करने लगे। हमने तो ये सोचा था लंकेश कि अलकापुरी की सेना सुबह ही हमारी प्रतीक्षा करेगी, परंतु ये क्या, यहाँ तो आधी रात को ही यक्ष सेना रणभूमि में तैनात है। रावण ने कहा, मलय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुबेर ने लंका पर भी राज किया है और वो लंका नगरी की गुप्तचर व्यवस्था से काफी प्रभावित था। हो सकता है कि अलकापुरी बसाने के दौरान उसने यहाँ भी गुप्तचर विभाग की वैसी ही व्यवस्था बनाई हो। सुमाली ने कहा, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि दुश्मन की सेना पहले से तैयार थी अथवा हमने अचानक उस पर धावा बोल दिया। फर्क तो इससे पड़ेगा कि किस राज्य की सेना दमदार थी, शक्तिशाली थी और कौन सी सेना युद्ध कौशल में पूरी तरह प्रशिक्षित थी। अंततः जीत उसी की होगी जिसकी सेना मजबूत होगी। हाँ, तराई क्षेत्र से कुछ दूरी पर अलकापुरी राज्य में राजमहल के बाहर वाले खाली मैदान में एक एक करके यक्ष सेना की सुसज्जित सैन्य टुकड़ियां आकर खड़ी होने लगी। अनुशासित और सुसज्जित सेना को देखकर कुबेर का मन गदगद हो गया। अपनी सेना को युद्ध के लिए कूच करने से पूर्व संबोधित करते हुए कुबेर ने कहा, अलकापुरी के वीर यक्ष सैनिकों, आपने कुछ समय पूर्व अपने मन में यह उम्मीद जगाई थी कि रावण की असुरी सेना के साथ युद्ध करेंगे। उस समय लंका में युद्ध को टाल दिया गया था, परंतु आज उसी उम्मीद को पूरा करने का दिन आया है। आज हमारे सामने लंका नगरी की असुरी सेना खड़ी है। हम अपने संपूर्ण बल और युद्ध कौशल का इस्तेमाल इस युद्ध को जीतने के लिए करेंगे। रावण यह युद्ध अपने अहंकार की रक्षा के लिए लड़ रहा है और हम सब यह युद्ध अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ेंगे। मैं अच्छी तरह इस बात से अवगत हूँ कि सेनापति मणिभद्र के नेतृत्व में यक्षों की यह साहसी सेना दानव सैनिकों पर भारी पड़ेगी। इसीलिए मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और अभी इसी क्षण हिमालय की तराई स्थित रणभूमि की ओर कूच करने का आदेश देता हूँ। हर हर महादेव, आक्रमण! कुबेर के उद्बोधन के बाद हवाओं में रणभेरी की आवाज गूंजने लगी। यक्ष संस्कृति की जय! धनपति महाराज कुबेर की जय! अलकापुरी नगरी की जय! धनराज की जय! हर हर महादेव!
हर हर महादेव। अलकापुरी की सेना जय घोष करती हुई आगे बढ़ने लगी। एक तरफ रावण की सेना अपने आक्रामक तेवर के साथ हिमालय की तराई वाली रणभूमि में अलकापुरी की सेना की एक टुकड़ी के आमने सामने खड़ी थी, तो दूसरी तरफ विशाल सेना लेकर कुबेर अलकापुरी के राजमहल से हिमालय की तराई पर स्थित रणभूमि की ओर बढ़ा जा रहा था। सुमाली ने रावण से कहा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस सैन्य टुकड़ी के साथ न तो कुबेर नजर आ रहा है और न ही सेनापति मणिभद्र, फिर भी सेना आक्रमण के लिए तैयार है। हा? दैत्यराज की बात को सुनकर कंटक ने कहा, दैत्यराज, ऐसा संभव है कि महाराज कुबेर और सेनापति मणिभद्र अभी तक रणभूमि में उपस्थित न हो पाए हो, परंतु युद्ध नीति यही कहती है कि दुश्मन सामने हो तो हमला बोल देना ही चाहिए। रावण ने कहा, मैं कंटक की बात का समर्थन करता हूँ, हमें आक्रमण बोल देना चाहिए नानाश्री, आप आदेश दीजिए नानाश्री ताकि हम आक्रमण कर सके। सुमाली ने रावण की बात को सुनकर कहा, रावण, जहाँ जिस लश्कर में राजा स्वयं उपस्थित होता है, लश्कर का प्रधान सेना नायक वही होता है, इसलिए अगर तुम ये प्रतीक्षा कर रहे हो कि मैं असुरी सेना को आक्रमण करने का आदेश दूं, तो ये कदाचित उचित नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि महाराजा रावण स्वयं अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दें। सुमाली की बात को सुनकर रावण ने अपनी म्यान से तलवार को निकाला और सामने अलकापुरी की सेना की ओर इंगित कर तीव्र आवाज में गर्जना करते हुए बोला, असुर राज की स्थापना के लिए आक्रमण हो। रावण के आक्रमण बोलते ही लंका की सेना ने जय घोष करते हुए धावा बोल दिया, जय लंकेश, जय जय लंकेश के जयकारों से गूंज उठी। मलय और विभीषण अलग अलग सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करते हुए अलकापुरी की सेना पर टूट पड़े। रावण ने कहा, मैं रण क्षेत्र में तब जाऊंगा जब कुबेर स्वयं युद्ध के मैदान में उतरेगा। सुमाली ने समर्थन करते हुए कहा, एक राजा के लिए यही उचित है कि उसकी तलवार विरोधी राजा की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देने के लिए ही उठे। अलकापुरी की सेना में तराई स्थित सैनिक छावनी का प्रभारी उप सेनापति भूषण था। मणिभद्र की अनुपस्थिति में वही रणभूमि में यक्ष सेना का नेतृत्व कर रहा था। जब उसने देखा कि लंका की सेना ने आक्रमण बोल दिया है, तब उसने भी अपनी सेना को जवाबी हमले के लिए आगे बढ़ा दिया। कुछ ही क्षणों में यक्ष और दानव सेनाएं आपस में एक दूसरे के विरुद्ध तलवार, भाले और तीर से युद्ध करने लगे। युद्ध धीरे धीरे घमासान होता जा रहा था। रात भी अब ढल चुकी थी, परंतु अलकापुरी के बड़े सैनिक दल का रणभूमि में पहुंचना अभी बाकी था। लंका में असुरराज की स्थापना के पश्चात सुमाली ने सैनिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया था। वो स्वयं युद्ध के मैदान का अनुभवी योद्धा था, इसीलिए उसने आधुनिकतम तकनीकों और विशेष युद्ध कौशल का प्रशिक्षण सभी सैनिकों को दिलवाया था। लंका विजय के पश्चात शाही सेना और पाताल लोक की असुरी सेना के विलय से लंका राज्य की सेना शक्तिशाली और अपराजेय हो गई थी। अलकापुरी की सैनिक छावनी का प्रभारी उप सेनापति भूषण लंका की सेना की शक्ति का सही अनुमान लगाने में असफल हुआ। देखते ही देखते एक एक करके यक्ष सेना के सभी सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। अलकापुरी और लंका की सेना के आमने सामने की भिड़ंत का परिणाम यह हुआ कि कुछ ही क्षणों में अलकापुरी के सभी सैनिक ढेर हो गए। रणभूमि में चारों तरफ यक्ष सैनिकों के क्षत विक्षत बेजान शरीर पड़े थे। रक्त बहाव के कारण रणभूमि की जमीन ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे किसी ने संपूर्ण रण क्षेत्र में लाल चादर बिछा दी हो। उधर पहली बार देवलोक में इंद्रदेव ने नारद मुनि को क्रोधित देखा था। वे बोल रहे थे, रक्त की बहती हुई नदी कोई दर्शनीय मनभावक दृश्य होती है क्या? इतना अहंकार कि रावण युद्ध क्षेत्र में यक्ष सैनिकों के खून की बहती धारा को देखकर प्रसन्न हो रहा है। परम पिता ब्रह्मा जी ने वरदान देकर अपने द्वारा रचित सृष्टि के लिए ही खतरा मोल लिया है। इंद्रदेव ने कहा, आज आप रावण के विरोध में बोल रहे हैं देवर्षि, परंतु आज से पूर्व ये आप ही थे जो रावण के समर्थन और प्रशंसा में बोला करते थे। नारद मुनि ने इंद्रदेव से कहा, हे देवेंद्र, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोलता हूँ, मैं तो मात्र काल के कपाल पर रचित लेखों की विवेचना करता हूँ। आज रावण का अहंकार अपने विभत्स रूप में प्रकट हुआ है, इसीलिए आज उसके इस कृत्य की निंदा कर रहा हूँ और साथ ही साथ उसके अहंकार की आंधी को कैसे रोका जाए उस उपाय पर भी विचार कर रहा हूँ। नारायण नारायण, इंद्रदेव ने कहा, तो फिर क्या उपाय सोचा है देवर्षि?
नारद मुनि ने कहा, उपाय तो एक ही है देवेंद्र, जिसने अहंकार पैदा किया है वही इसका शमन भी करेंगे। नारायण नारायण, इंद्रदेव ने आश्चर्य भाव से पूछा, अर्थात ये कैसी पहेली नुमा बातें कर रहे हैं आप देवर्षि? नारद मुनि ने हंसते हुए कहा, अर्थात जगत पिता ब्रह्मदेव, भजमन प्यारे नारायण नारायण। चलिए मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं तो चला सृजन के देव के पास ब्रह्मलोक। जिज्ञासा भरे लहजे में इंद्रदेव ने कहा, रुकिए देवर्षि, मैं भी ब्रह्मा जी के दर्शन का अभिलाषी हूं। अगले ही क्षण इंद्रदेव और नारद मुनि ब्रह्मलोक में उपस्थित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे। नारद ने कहा, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, हे प्रभु आंखें खोलिए, त्राही माम प्रभु त्राही माम। ब्रह्मा जी ने नारद की आवाज को पहचान लिया और अपनी आंखें खोलकर बोले, आज इतना व्याकुल क्यों हो नारद? ये तो तुम्हारा सामान्य स्वभाव नहीं है। इंद्रदेव और नारद ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। नारद ने कहा, आपको मैं अपने मुख से क्या बताऊं प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं, इसीलिए कहा जाता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है नापरः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, तथा जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। आपको तो सब ज्ञात है कि आपके दिए गए वरदान के बल पर धरती लोक में क्या तांडव मचा हुआ है। मुखमंडल पर एक रहस्यमय मुस्कान सजाए हुए ब्रह्मा जी ने कहा, यक्षों के राजा कुबेर धन के स्वामी हैं और उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं। वो रावण कुंभकर्ण और विभीषण के सौतेले भाई हैं, लेकिन दैवीय गुणों के कारण उन्हें देवता का दर्जा प्राप्त है। जो स्वयं भगवान शिव के द्वारपाल हैं, उनकी चिंता तुम क्यों करते हो? अहंकार किसी के लिए भी शक्ति का सृजन नहीं कर सकता है, वह अंततः विनाश के द्वार ही खोलता है। नारद मुनि की व्याकुलता का अंत अभी तक नहीं हुआ था। वे बोले, परंतु प्रभु जब तक यह विनाश का द्वार खुलेगा पूरी अलकापुरी ही तबाह हो जाएगी। मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी बोले, नहीं होगी पुत्र, जैसे तुम मेरे मानस पुत्र हो वैसे ही रावण के पिता मैं। पुलत्स्य ऋषि को मैंने निर्देशित किया है कि वे ये सुनिश्चित करें कि अलकापुरी में कुछ अनिष्ट ना हो। नारद मुनि अब ब्रह्मा जी की बात को सुनकर संतुष्ट हो गए। वे और इंद्रदेव दोनों ने जगत पिता को प्रणाम किया और ब्रह्मलोक से प्रस्थान कर गए। इधर रणभूमि में लंका के सेनापति मलय की तलवार ने अलकापुरी के उप सेनापति भूषण की गर्दन को खच की आवाज के साथ उसके धड़ से अलग कर दिया। किसी गेंद की भांति लुढ़कते हुए भूषण का कटा हुआ सिर एक घोड़े के पैरों से जाकर टकराया। मलय ने देखा कि उस घोड़े पर स्वयं महाराजा कुबेर सवार थे, जिनकी आंखें क्रोध से लाल दिख रही थी। कुबेर के साथ सेनापति मणिभद्र खड़ा था और दोनों के पीछे खड़ी थी विशाल यक्ष सेना। मलय ने देखा कि यक्षों की विशाल सेना को लेकर कुबेर रणभूमि में उतर आया है। अभी तक लंका की तरफ से मलय ने ही युद्ध की कमान को संभाल रखा था। उसी के नेतृत्व में अलकापुरी की सैनिक छावनी के सारे सेनानियों को मार गिराया गया था। कुबेर का उप सेना नायक भूषण भी वीर गति को प्राप्त हो चुका था। अब जो विशाल सेना कुबेर के पीछे खड़ी थी उसमें सभी सैनिक अनुभवी और प्रशिक्षित थे। मलय ने सोचा कि यही समय है जब लंकेश्वर रावण और दैत्यराज सुमाली को रण क्षेत्र में उतरना चाहिए। उसने लंका का राजकीय पताका अपने हाथ में लिया और उसको एक तीर से बांधकर ऊपर हवा में ऊंचाई तक उछाल दिया। प्रत्यंचा से छूटते ही तीर लंका की पताका को लेकर हवा में काफी ऊंचाई पर उड़ने लगा। रावण और सुमाली अब तक युद्ध नहीं कर रहे थे, वे रणभूमि के दूसरे किनारे पर खड़े होकर इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुबेर कब युद्ध भूमि में आएगा। सदैव चौकन्ना रहने वाले रावण ने देखा कि आसमान में तीर से बंधा हुआ लंका राज्य का पताका हवा में लहरा रहा है। उसको समझते देर न लगी कि अवश्य ही मलय ने उसे रणभूमि में उतरने का संकेत दे दिया है। अगले ही क्षण रावण और सुमाली के घोड़े तूफानी रफ्तार के साथ रण क्षेत्र में दाखिल हुए। कुबेर ने देखा कि लंका की सेना ने बड़ी संख्या में यक्ष सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
चारों तरफ उनके मृत शरीर युद्ध के मैदान में गिरे हुए थे। हिमालय की तराई क्षेत्र रक्त के बहने से लाल हो चुका था। ये असहनीय दृश्य था जिसे कुबेर अपनी दोनों मुट्ठियां भींच कर देख रहा था। उसने अपने सामने जमीन पर गिरे हुए उप सेनानायक भूषण का कटा हुआ सिर देखा। अचानक उसका ध्यान भंग तब हुआ जब यक्ष सेनापति मणिभद्र की आवाज उसके कानों में पड़ी। महाराज, देखने और सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लंका के इन दानवों ने हमारे प्रशिक्षु सैनिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला। आधी रात को हमला करके रावण ने हमारे साथ छल किया है। महाराज, मेरी भुजाएं फड़क रही हैं और अब मैं मूक दर्शक बन के ये सब नहीं देख सकता। मैं आक्रमण बोलने की अनुमति चाहता हूं धनराज, कुबेर ने कहा। अब प्रतीक्षा नहीं रण होगा रण। रावण ने यह साबित कर दिया कि वो कदापि सन्मार्ग पर नहीं चल सकता है। उसकी धमनियों में दौड़ने वाला ऋषि पिता का रक्त अब विषाक्त हो चुका है। दैत्य प्रवृत्तियों ने उसे दुष्ट और अमानवीय बना दिया है। अपने शरीर में बचे रक्त की अंतिम बूंद तक अबल कपूरी के सम्मान के लिए हम युद्ध करेंगे। आक्रमण हो। युद्ध आरंभ करने के लिए कुबेर की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात सेनापति मणिभद्र ने तलवार को हवा में लहराते हुए चिल्लाकर कहा, आक्रमण। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो अलकापुरी की सेना युद्ध के आदेश की ही प्रतीक्षा कर रही थी। लंबे समय से असुरी सेना को परास्त करने की लालसा को अपने मन में दबाए हुए एक एक यक्ष सैनिक ने असुरी सेना पर पूरी शक्ति के साथ हमला बोल दिया। कुछ ही क्षणों में तलवारों के टकराने, भालों के चलने और प्रत्यंचा से असंख्य तीरों के छोड़े जाने की आवाजें हवा में गूंजने लगी। सैनिकों के घायल होने और जख्मी होकर जमीन पर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। धड़ों से सिर काटे जाने लगे। अलकापुरी से आई हुई सेना की टुकड़ी में अनेक प्रशिक्षित एवं अनुभवी सैनिक शामिल थे, इसलिए उन्होंने लंका के सैनिकों को पछाड़ना शुरू किया। इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पलड़ा रावण का नहीं बल्कि कुबेर का भारी रहेगा। जब कंटक ने देखा कि अलकापुरी के सैनिकों ने लंका के सैनिकों को जान से मारना आरंभ कर दिया है, तब उसने सेनापति मले से कहा, इस प्रकार तो हमारे सैनिक बड़ी संख्या में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। मलय अपने घोड़े पर सवार था और वो कुबेर के सेनापति मणिभद्र को घेरने का प्रयास कर रहा था। उसने अपने सामने आकर हमला करने वाले एक यक्ष सैनिक का सिर एक ही वार में तलवार से काट दिया और कंटक की बात का जवाब दिया। युद्ध का एक ही नियम होता है कंटक, अपने सामने वाले दुश्मन का संहार करो। इसीलिए अगर अभी हम इस माया जाल में फंस गए कि ये हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, तो हम कदापि युद्ध में विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने राजा के लिए लड़ते हुए प्राणों को बलिदान कर देना तो एक सैनिक के लिए परम सौभाग्य की बात होती है। इसलिए अभी सिर्फ युद्ध करो, मार गिराओ शत्रु के एक एक सिपाही को। कंटक ने कहा, युद्ध में विजयी होने के लिए बल के साथ साथ छल की भी आवश्यकता होती है सेनापति। रुकिए, मैं कुछ करता हूं जिससे लंका की जीत सुनिश्चित हो सके। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मायावी शक्तियों का आह्वान करने लगा। देखते ही देखते कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना स्वयं रावण ने भी नहीं की थी। कंटक ने अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके सभी असुर सैनिकों के परिधान एवं वेशभूषा को अलकापुरी के यक्ष सैनिकों की भांति परिवर्तित कर दिया। अब देखने में ऐसा लग रहा था कि युद्ध भूमि में सिर्फ अलकापुरी के ही सैनिक हैं। अब कुबेर के सैनिकों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम जिस पर हमला कर रहे हैं वो यक्ष है या दानव। इस प्रकार मायावी शक्तियों की सहायता से युद्ध करने में माहिर लंका की सेना ने एक एक कर पहचान करके अलकापुरी के सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। मलय ने सोचा कि इस प्रकार अगर कुछ देर और लड़ाई चलती रही तो एक भी यक्ष सैनिक रणभूमि में जीवित नहीं बचेगा। कुबेर इस मायावी खेल को समझ चुका था। वो अपने घोड़े से उतर गया और जमीन पर बैठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। कुबेर शिव जी का परम भक्त था। घुटने के बल जमीन पर बैठकर उसने महादेव को स्मरण करते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने भोलेनाथ से कहा, हे परम पिता, मैं जानता हूं कि आपकी इच्छा से बाहर जगत में ना तो कोई घटना घटती है और ना ही कोई निर्णय फलीभूत होता है। हे भोलेनाथ, संपूर्ण त्रिलोक में आपके परम भक्तों में से एक ये कुबेर आपका नाम लेकर किसी भी मुसीबत के महासागर को पार कर सकता है, परंतु अगर मैं किसी से हार सकता हूं तो वो है छल। ये रणभूमि है भोलेनाथ,
और रणभूमि में विजय और पराजय का निर्णय पराक्रम से होना चाहिए, ना कि छल से। अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए भोलेनाथ, मुझे और यक्ष सैनिकों को छल के इस चक्रव्यूह को तोड़ने का सामर्थ्य दीजिए प्रभु। कुछ देर तक कुबेर शिव भक्ति में लीन रहा, परंतु बहुत समय गुजर जाने के बावजूद उसको महादेव से किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिल पाया। असुरों के छल का सामना करने के लिए शक्ति देने की प्रार्थना उसने दोबारा दोहराई। कुछ देर और इसी मुद्रा में बैठने के बाद उसने स्वयं से संवाद करना आरंभ कर दिया। देवाधिदेव तो सर्व ज्ञाता है और निसंदेह मेरी स्थिति को वे समझ चुके होंगे। आज तक शिव ने मेरा भला ही किया है, उनकी आशीषों के कारण ही मेरा अस्तित्व सुरक्षित है। वे आज भी अपना आशीष मेरे और यक्ष सैनिकों के सिर पर बनाए रखेंगे। कुबेर अपनी आंखें खोलने ही वाला था कि उसने अपने आसपास कुछ कोलाहल सुना। जब उसने अपनी आंखों को खोला तो देखा कि यक्ष सैनिकों के सुरक्षा चक्र को तोड़कर रावण ठीक उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसके हाथ में एक चमचमाती हुई तलवार थी। कुबेर झट से अपने स्थान पर खड़ा हो गया। कुबेर को देखते हुए रावण अब भी मुस्कुरा रहा था। कुबेर निहत्था था और रावण के हाथ में बहुत भारी चमचमाती हुई तलवार थी। कुबेर ने मणिभद्र की तरफ देखा। मणिभद्र ने कुबेर की विशेष तलवार को उसकी तरफ फेंक दिया। अपने हाथ में तलवार लेते ही कुबेर ने उसे म्यान से खींचकर बाहर निकाल लिया। रावण ने कुबेर से कहा, रणभूमि में प्रार्थना? भ्राता कुबेर, जब दूध भेजकर नैतिक शिक्षा देते हो तो उसके परिणाम को सहन करने का सामर्थ्य भी तो रखो। रणभूमि में सिर्फ युद्ध होता है, आराधना नहीं। यहां अपना बाहुबल दिखाओ, बाहुबल। आपने तो अपने तपोबल का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। कुबेर ने कहा, मैं भी वही कहना चाहता हूं रावण, कि ये युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र। यहां छल और माया का सहारा भीरु लोग ही लेते हैं। भीरु का अर्थ समझते हो ना? भयग्रस्त, कायर, डरपोक। क्या अपने बाहुमल का दंभ भरने वाला लंकेश भीरु हो गया है? रावण ने अट्टहास करना आरंभ कर दिया। भीरु तो वो होता है भ्राता, जो युद्ध करने के भय से कभी अपनी राजगद्दी छोड़कर भाग खड़ा होता है, तो कभी रणभूमि में युद्ध के स्थान पर अपने प्राणों की रक्षा के लिए उपासना करने लगता है। रावण तो शक्ति का उपासक है। युद्ध करने की प्रवृत्ति मेरी रगों में रक्त बनकर दौड़ती है। यकीन नहीं होता है तो आज ये हिमालय की तराई इस बात का स्वयं साक्षी बनेगी। आज तुम्हारे उप सेनापति की भांति इस रणभूमि पर तुम्हारा शीश भी अर्पित किया जाएगा। कुबेर ने कहा, पांव फटने वाली है रावण, और इस ब्रह्म मुहूर्त में शीश अहंकारी का ही कटेगा। तो उठाओ तलवार और आओ युद्ध करो। रावण ने कहा, मैंने तो सोचा था कि तुमने अलकापुरी बसाकर उत्तर में एक किनारे अपने आप को समेट लिया है, परंतु तुम तो धरती लोक के सभी राजाओं के मुखिया बनना चाहते हो, मुझे नैतिक शिक्षा देना चाहते हो। देख लो तुम्हारे इस दुस्साहस का कैसा बुरा परिणाम तुम्हारे सामने है। अपनी आंखों से यक्ष सैनिकों के सिर धड़ से अलग होते हुए देख लो। कुबेर ने युद्ध कर रहे सैनिकों को देखा और वापस रावण की तरफ देखते हुए हंसने लगा। मैं क्या देखूं रावण, एक बार तुम ही अपनी आंखों से देख लो किसके सिर धड़ से अलग किए जा रहे हैं। रावण ने युद्धरत सैनिकों की ओर मुड़कर देखा तो वो दंग रह गया। कंटक ने जिन असुर सैनिकों को मायावी शक्ति से यक्ष सैनिकों की वेशभूषा में परिवर्तित कर दिया था, वे पुनः असुरी सेना के वास्तविक रूप में दिखने लगे थे। अब अलकापुरी की यक्ष सेना लंका की असुरी सेना पर भारी पड़ चुकी थी। एक के बाद एक दैत्य सैनिकों के सिर उनके धड़ों से अलग किए जा रहे थे। तलवारों के टकराने की टन टन की आवाज के साथ साथ रणभूमि में गर्दनों के कटने की खच खच की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थी। मणिभद्र ने रावण के मामा मरीच राक्षस को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। रावण हैरान हो गया और उसने आश्चर्य भाव से कहा, ये कैसे हुआ? किसने मायावी शक्ति के प्रभाव को खत्म कर दिया? कुबेर ने कहा, रावण, ये मेरे आराध्य महादेव की शक्ति है जो सर्वोपरि है।
मेरी प्रार्थना सुनकर वे मौन रहे, परंतु जब तुम जैसे अहंकारी की आंख खोलने का अवसर आया तो उन्होंने माया के उस जाल को ही खत्म कर दिया जिसके सहारे तुम युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते थे। रावण ने कहा, यह कोई युद्ध का नियम नहीं है, यह तुम्हारे आराध्य द्वारा किया गया एक तरह का छल है। कुबेर ने हंसते हुए कहा, युद्ध नीति की बात तुम्हारे मुख से अशोभनीय लगती है रावण। अगर आत्मरक्षा एक तरह का छल है तो सूर्यास्त के उपरांत हमला बोल देना क्या है? क्या युद्ध नीति यह नहीं कहती है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य युद्ध को विराम दिया जाना चाहिए? इसीलिए तो युद्ध भूमियों पर सैनिक पड़ाव की व्यवस्था की जाती है। तुमने मध्य रात्रि के उपरांत अलकापुरी पर आक्रमण करके युद्ध नीति का उल्लंघन किया है रावण। रावण निरुत्तर हो चुका था। कुबेर की बातें उसको तीर सी चुभ रही थी। अत्यंत क्रोधित होकर उसने कहा, इसके आगे अब मेरी तलवार बात करेगी। इतना कहते ही उसने कुबेर के ऊपर अपने विशाल चमकदार तलवार से आक्रमण कर दिया। अगर कुबेर पीछे नहीं हटा होता तो उसकी गर्दन ही कट जाती। पीछे हटकर कुबेर ने जवाबी आक्रमण किया। इस वार को रावण ने अपनी तलवार से रोक लिया। जैसे ही दोनों की तलवारें आपस में टकराई, एक तेज ध्वनि के साथ चिंगारी निकली। रावण ने कुबेर के वार को रोकते ही पुनः जवाबी हमला बोला। इस बार कुबेर पीछे हट गया और उसने हवा में उछलकर हर हर महादेव बोलते हुए रावण के कंधे पर अपने पैर से एक जोरदार धक्का दे मारा। इस प्रहार के लिए रावण मानसिक तौर पर तैयार नहीं था। वो चार कदम पीछे जा गिरा। गिर जाने की वजह से रावण अपमानित महसूस करने लगा। क्रोध से उसकी आंखें लोहार की भट्टी से लाल लाल होकर तपने लगी। वो गरजते हुए अत्यंत क्रोधित होकर उठा और उसने अपनी तलवार से एक शक्तिशाली वार कुबेर पर कर दिया। कुबेर ने अपनी तलवार से रावण के उस भयंकर हमले को रोकना चाहा। रावण के हमले में इतनी अधिक तीव्रता थी कि कुबेर को एक जोरदार धक्का लगा और इस बार वो जमीन पर गिर गया। इस अवसर का लाभ उठाकर रावण ने कुबेर की छाती पर अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया। इस बार पुनः कुबेर ने अपनी तलवार को आगे बढ़ाकर एक ढाल की भांति रावण के हमले को रोका, परंतु इस बार रावण की तलवार का हमला इतना तीव्र था कि कुबेर की तलवार के दो टुकड़े हो गए। उसको निहत्था देखकर रावण हंसने लगा और अपनी तलवार की नोक को कुबेर की गर्दन पर रखते हुए बोला, हो गया लक्ष्मी के उपासक और शिव के परम भक्त का खेल खत्म। अब अगर तुम हिले धनपति धनराज कुबेर, तो अगले ही क्षण स्वयं को यमलोक के द्वार पर पाओगे। हा 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 हा